हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा और मैं शर्मा जी आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की पाइथन। तो टेक्स्ट फाइल हमने पढ़ ली थी, काफी नए नए फंक्शंस भी पढ़ लिए थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइनरी फाइल से। बाइनरी फाइल्स मैंने बताया था आपको बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, बट वो हमारे लिए एफिशिएंट नहीं होती, वो कंप्यूटर के लिए एफिशिएंट होती है। हमारे लिए इनको पढ़ना टफ होता है, तो अगर इनको पढ़ना टफ है तो इनको लिखना और इनको राइट कर रीड और राइट भी इनके लिए बहुत ज्यादा टफ होगा हमारे लिए। सो हम क्या करते हैं कि स्ट्रीम्स ऑफ बाइट में स्टोर होती हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं होता, कोई न्यू लाइन नहीं होता। जैसे मेमोरी में स्टोर होती है वैसे ही हमारी फाइल के अंदर स्टोर होंगी। सो जब भी हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, स्पेशली लिस्ट और डिक्शनरी जो बड़े बड़े होते हैं, इनको क्या करना होता है, इनका स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है। अब जैसे अगर कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है मेरे को, या फिर मेरे को खाली कोई नंबर स्टोर करना है, तो उस नंबर को कन्वर्ट करना ईजी है और उससे वापस कन्वर्ट करना भी ईजी है। बट कोई डिक्शनरी है या फिर कोई लिस्ट है, तो इनका जो होता है वो ऑर्डर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख तो मैं दूंगा, लेकिन जब मैं वापस लूंगा तो सेम रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ताकि इस कन्वर्जन के बीच में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ह्यूमन माइंड से तो हो सकती है दिक्कत, पाइथन ने हमें एक मॉड्यूल दे रखा है जो हमारे लिए काम कर देगा, कन्वर्जन का कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो है हमारा एक पिकल मॉड्यूल। पिकल क्या होता है भाई, अचार मॉड्यूल। क्या करेगा अचार, क्या करेगा, हमारे लिए हेल्प कर देगा बाइनरी फाइल्स के साथ कन्वर्जन करना। कैसे करेंगे, इंपोर्ट पिकल हमारा मॉड्यूल करेंगे, देखते हैं पिकल होता क्या है। पिकल होता है हमारा अचार, जैसे हमारा आम का अचार हो गया, या नींबू का अचार हो गया, पारले जी का अचार हो गया, टिंडो का अचार हो गया। सब लिटरली देखें तो पिकल क्या होता है, पिकल हमारा मॉड्यूल है एक, उसको हम इंपोर्ट करा सकते हैं। और किस चीज़ का मॉड्यूल है, ये हमारी हेल्प करेगा बाइनरी फाइल्स के साथ इंटरेक्ट करने में, ठीक है। सारी कन्वर्जन हमारे लिए कर देगा, ऑर्डर मेंटेन रहेगा, यानी प्रॉपरली कर देगा। अब इसके साथ दो फंक्शन होते हैं हमारे, डंप और लोड। जैसे हमारे उसमें रीड और राइट से, इसके अंदर डंप और लोड है। डंप क्या करेगा, डंप मतलब फेंकना एक तरह से, तो ये क्या करेगा, फाइल के अंदर हमारा डेटा फेंक देगा। लोड मतलब एक तरह से उठाना, तो ये फाइल के अंदर डेटा उठा लेगा। तो डंप हमारा राइट की तरह काम करता है और लोड हमारा रीड की तरह काम करता है। सो डंप मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेरे को लिखना है वो देना पड़ेगा और जिस फाइल में लिखना है वो देना पड़ेगा। और लोड में होगा लिख देना पड़ेगा, जो फाइल जिस फाइल में से मेरे को रीड करना है वो देनी पड़ेगी। सो एक प्रोग्राम से देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। इंपोर्ट हमने करा लिया पिकल को, पिकल हमारा आ गया। अब मैंने दो फाइल ले रखी यहाँ पे, एक है मेरी फाइल वन जो है एक टेक्स्ट फाइल, और फाइल टू है हमारी बाइनरी फाइल डॉट डेटा, आपको दिख रहा है यहाँ पर। ए फाइल ए के अंदर मैंने फाइल वन को ओपन करा लिया राइट मोड में, और बी के अंदर मैंने फाइल टू को ओपन करा लिया रीड मोड में। एक बाइनरी फाइल थी तो मेरे को आर से काम नहीं चलेगा, मेरे को आर बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने क्या करा, पी के अंदर करा ए डॉट रीड। रीड फंक्शन क्या करता था, टेक्स्ट में पूरी पूरी फाइल उठा के दे देता था, सारी बाइट दे देता था। सो पी पूरी प्रिंट हो जाएगी इससे, सिंपल, ये हमें पूरी फाइल प्रिंट कराने का कमांड है। बट अगर मेरे को बाइनरी फाइल को प्रिंट कराना है तो मेरे को नॉर्मली नहीं हो, मेरे को पिकल की हेल्प से करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एक क्यू लिया, उसके अंदर करा पिकल डॉट लोड। क्या लोड करना है भाई, जो बी हमारे फाइल के, जो बी ऑब्जेक्ट के साथ जो फाइल है वो हमें लोड करना है। सो बी के साथ कौन सी फाइल है, फाइल टू डॉट डेट, ये आ जाएगी हमारी, लोड हो जाएगी क्यू के अंदर। सो एक बार क्यू के अंदर जब फाइल लोड हो जाएगी तो मैं उसको डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी हुई है, इसको मैंने सेपरेटली नहीं दिया, मैंने इसी के साथ एनक्लोज कर दिया है। ये है हमारा फाइल को क्लोज करना। सो जब भी मैं एक फाइल को ओपन करता हूँ तो उसके अंदर कुछ वर्क करके करके उसके अंदर रीड राइट करके उसको छोड़ देता हूँ। बट जब अगर मैंने एक फाइल ओपन करी है तो उसको क्लोज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लोज नहीं करूँगा तो क्या होगा, तो अगर फाइल खुली रहेंगी तो उसके अंदर अगर डेटा की ऑल्ट्रेशन होने की दिक्कत है, या तो फाइल हमारा डेटा डिलीट भी हो सकता है या चेंज हो सकता है, तो क्या होगा, उससे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे, सो ओपन करने के बाद पेपर में भी लिख के आएंगे, तो लास्ट में क्लोज जरूर लिख के आना, कुछ टीचर होंगे जो इसके नंबर काट लेंगे। सो टेक्स्ट फाइल के बाद और बाइनरी फाइल के बाद हमारी थर्ड टाइप की फाइल आती है, वो होती है हमारी सीएसवी फाइल। सीएसवी का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, यानी जो भी वैल्यूज है हमारी फाइल के अंदर वो कॉमा के थ्रू सेपरेटेड होंगी। अब टेक्स्ट फाइल के अंदर भी कर लेता है, तो मैं टेक्स्ट के अंदर कॉमा कॉमा लगा लिख देता हर वर्ड को। तो सीएसवी में क्या है, टेक्स्ट फाइल को मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, सीएसवी फाइल को मैं डायरेक्ट उठाकर डेटाबेस के अंदर या स्प्रेडशीट्स के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आपका यहाँ पर आपको एक शीट दिख रही होगी, इसके अंदर कुछ डेटा दिख रहा है, ठीक है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। अब ये जो डेटा है असलियत में रॉ देखे जाओगे तो ये हर लाइन के अंदर कॉमा सेपरेट होगा, ठीक है, नेम, उसके अंदर एक कॉमा लगा होगा, फिर रोल नंबर होगा। और जब इसको डायरेक्टली उठाकर हम अपनी शीट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा सीएसवी फाइल का एक एडवांटेज होता है। तो CSV के फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है CSV का मॉड्यूल, उसके बाद हम उसमें से रीड और राइट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हमने एक अंदर एक फाइल ओपन करा ली है लिस्ट डॉट CSV और रीड मोड के अंदर करा ली है। अब रीड करने के लिए मेरे पास फंक्शन होता है रीडर फंक्शन, ठीक है, तो CSV मॉड्यूल का डॉट रीडर। अब उसके अंदर मैं क्या डालूंगा, ऑब्जेक्ट और डिलीमीटर हमारा, यानी कॉमा के बेसिस पे हमें उसको सेपरेट करके रखना है। सो कॉमा के बेसिस पे हमारा सारा का सारा डेटा रीड कर देगा। उसके बाद आप इसे प्रिंट करा सकते हो। कैसे यूज कर प्रिंट कराओगे, प्रिंट नेक्स्ट ऑफ बी। अब मैंने बताया था आपको जो फाइल के अंदर डेटा होता है वो हमारा ऑर्गेनाइज वे में होता है, ठीक है, सेपरेटेड वो होता है स्टोर। अब बी के अंदर सारा का सारा आ चुका है, बी के अंदर हमारी फाइल आ चुकी है एक तरह से। सो अगर मेरे को बी का डेटा प्रिंट करा है तो मेरे को नेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, या फिर मैं डायरेक्टली उसके अंदर राइट रीड करा सकता हूँ। तो सीएससी में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस इसके अंदर हमें नेक्स्ट और रीडर फंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं। अब ये देख लेते हैं कि सीएससी फाइल के अंदर राइट कैसे कराना होता है। राइट का भी थोड़ा सिंपल सही है, यहाँ पे हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सीएससी को पहले इंपोर्ट करा देते हैं, उसके बाद उसका फंक्शन यूज़ कर लेंगे हम सीएससी राइटर। राइटर क्या करेगा, ए यानी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था इसके अंदर फाइल थी, और डिलीमीटर दे दी हमने कॉमा,
तो फाइल आने के बाद मैं कैसे राइट करूंगा, मैं राइट रो फंक्शन का यूज करूंगा। अब जैसे मैंने बताया था आपको, सीएसवी फाइल में रिकॉर्ड होता है यार, ऑर्गेनाइज होता है, सो रो बाय रो रिकॉर्ड करता है हमारा। सो मेरे को एक बार में एक रो एंटर करानी पड़ेगी, सो बी डॉट राइट रो और जो भी हमारी रो है वो मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड लाइन देख सकते हो आप लिस्ट की फॉर्म में एक बार, या फिर अगर मेरे को ऐसे बहुत सारी लाइन नहीं लिखनी तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इन सब की एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्टों की एक लिस्ट बना ली, ठीक है। और उसके बाद क्या करा दिया, एंड में जाके लूप के थ्रू मैंने उस लिस्ट को सारा का सारा राइट करा दिया इसके अंदर। तो सीएसवी फाइल में आपका यही था रीडर राइटर, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस यही था कि आपका कॉमा सेपरेटेड होता है तो आपको डिलिमिटर लगाना पड़ेगा, ये चीज याद रखना। मैंने सारा का सारा आपका दो स्लाइड्स के अंदर बकलअप कर दिया, तो ये आपको याद रखना ही, कॉमा लगाना होता है, ठीक है। सीएसवी मॉड्यूल के अंदर हमारा राइटर, राइट रो, और उधर हमारा होता है रीडर और नेक्स्ट फंक्शन। सो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आउटपुट निकालना है, एक फाइल दे रखी है टेक्स्ट फाइल, फाइल नाम की, इसके अंदर कुछ पोयम लिखी हुई है, इथरा जा इथरा नहीं, दोनों मर के खत्म कहानी, हमारी बेस्ट राइम जो हमने आज तक पढ़ी है, ठीक है। मैंने तो यही बेस्ट सुनी है अभी पूरे चाइल्डहुड में, हमें ये बताया था इथरा जा इथरा नहीं, दोनों मर के खत्म कहानी, इससे ऊपर आज तक हम बढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करा हमने, ओवन एक ऑब्जेक्ट वन लिया, उसके अंदर हमने फाइल करा ली ओपन रीड मोड में, ठीक है। एस वन इक्वल्स टू ओवन डॉट रीड लाइन, यानी एस वन के अंदर पहली लाइन आ गई, तो मैं यहीं पे नोट कर लेता हूँ साइड में कि ये हमारा एस वन के अंदर आ गया, ठीक है। एस टू इक्वल्स टू ओवन डॉट रीड लाइन, यानी एस टू के अंदर नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। एस थ्री इक्वल्स टू ओवन डॉट रीड सिक्स, ये देखो रीड सिक्स यानी छः बाइट पड़ेगा, और हमारा पॉइंटर देखो कहाँ चुका था, ये पढ़ ली यहाँ गया, ये पढ़ ली यहाँ गया, अभी यहाँ से स्टार्ट करेगा ना, तो यहाँ से खाली छः बाइट पढ़नी है इसको, तो छः बाइट चलो जरा। सो एक दो तीन चार पाँच छः, यानी एम तक पड़ेगा ये। अब एस थ्री प्रिंट कराना था, तो एस थ्री का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो नो स्पेस एम, बस छः बाइट्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन था यार, अब आगे देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखना है हमें कोडिंग वाले क्वेश्चन, तो एक प्रोग्राम लिखना है हमें जो लास्ट लाइन ऑफ अ फाइल डेटा डॉट टीएक्सटी की लास्ट लाइन को प्रिंट कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि एक फाइल है डेटा डॉट टीएक्सटी नाम की, और उसकी हमें लास्ट लाइन रीड करनी है। तो सबसे पहले फाइल को ओपन कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, मैंने यहाँ पर एफ ऑब्जेक्ट ले लिया है, फाइल का नाम है डेटा डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और इसको हमने खोल लिया रीड मोड के अंदर, क्योंकि हमें इसके अंदर से पढ़ना है। अब ये रीड मोड के अंदर खुल चुकी है, मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसके अंदर चलाना है एक लूप, वाइल में दे देता हूँ कुछ भी ए। अब ए क्या चीज़ है, ए है हमारा रीड लाइन, यानी जब तक लाइनें रीड हो रही हैं, तो जब तक लाइनें रीड होंगी ये चलता रहेगा। जैसी रीड लाइन खत्म होगा ये बंद हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब लास्ट लाइन जो इसने रीड करी होगी वो हमारी कौन सी होगी, वही लास्ट लाइन होगी। सो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ प्रिंट ए, इससे होगा क्या, फर्स्ट लाइन पड़ेगा दोबारा चलेगा, सेकंड लाइन पड़ेगा दोबारा चलेगा, थर्ड लाइन पड़ेगा दोबारा चलेगा, लास्ट लाइन पड़ेगा लेकिन दोबारा नहीं चलेगा। सो ए के अंदर क्या स्टोर रहा, ए के अंदर स्टोर रही लास्ट लाइन। तो इसको चला तो सकते नहीं हम, क्योंकि फाइल नहीं है हमारे पास, तो ये हमारा कोड हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो एक फाइल के अंदर से डेटा उठाकर दूसरी फाइल के अंदर डाल देगा, और जो फाइल के नाम होंगे वो हमें यूजर से लेने हैं। सो यहाँ पर मैं दो फाइल ले लेता हूँ ए और बी, और ए के अंदर मैं इनपुट करा लेता हूँ फाइल का नाम। सो डिफॉल्ट इनपुट हमारा स्ट्रिंग होता है, तो मेरे को टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ। सिमिलरली मैं दूसरी फाइल भी इनपुट करा लेता हूँ। अब मेरे पास दोनों फाइल के नाम आ चुके हैं, अब मेरे को इन दोनों फाइल्स को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इनके अंदर वर्क करना है। सो लॉजिकली देखें तो हमें ए के अंदर से रीड करके बी के अंदर राइट करना है, क्योंकि ए का जो डेटा है वो हमें बी के अंदर डालना है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ए को ओपन कर लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट में, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एफ वन, और इसके अंदर मैं ए को ओपन कर लेता हूँ। और किस मोड में ओपन करूँ, ए में से मेरे को पढ़ना है, ए में से पढ़ के मेरे को बी में डेटा डालना है, तो मैं ए को ओपन कर लिया रीड मोड में। सिमिलरली मैं दूसरी फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, सो इसके अंदर मैं ओपन कर लेता हूँ बी को, और बी के अंदर मेरे को राइट करना है, तो मैं इसको राइट मोड में ओपन करूँगा। यहाँ से मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से राइट मोड में, क्योंकि जो ए है उसके अंदर से पढ़ना है और बी के अंदर मैं वो डेटा डालना है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ए के अंदर से डेटा पढ़ूंगा। सो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, पहला तो क्या, मैं डायरेक्टली रीड करूँ और उसको एज इट इज़ राइट कर दूँ उसके अंदर। दूसरा मेथड क्या है जो थोड़ा सा समझने में ईजी रहेगा, हम क्या करते हैं एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक ही सारी की सारी लाइंस डाल लेते हैं। तो इससे कुछ याद आ रहा होगा, लिस्ट के अंदर लाइंस डालना, ये हमारा रीड लाइंस फंक्शन है। रीड लाइंस क्या करता था, उस फाइल की जो इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ ए अटैच्ड है, तो ए के अंदर से सारी लाइंस को रीड करेगा और उसको लिस्ट का एलिमेंट में डाल देगा। सो हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है एल नाम की, जिसके अंदर ए की सारी लाइंस हैं। और सिमिलरली हमारे पास इसका उल्टा फंक्शन भी होता था, जो बेसिकली जो ये रीड लाइंस करता है वो राइट लाइंस करता था। राइट लाइंस में क्या होता था, लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे फाइल के अंदर पहुंच जाते थे। सो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स या फिर ए की सारी सारी लाइंस हैं। अब यही लाइंस हमें बी के अंदर एज इट इज डालनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, राइट लाइंस। तो राइट लाइंस करेगा क्या, डेटा उठाकर उसके अंदर डाल देगा। अब वो डेटा कहाँ पर है, वो डेटा लिस्ट के अंदर है, तो इसके अंदर मैं एल हमारी लिस्ट भी दे देता हूँ। सो एल के अंदर पहले मैंने ए से सारी की सारी लाइंस ली एलिमेंट्स में, और फिर उसी एल को मैंने राइट लाइंस में डाल दिया, और उन्हीं सारे एलिमेंट्स को बी के अंदर वापस डाल दिया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, रीड लाइंस की हेल्प से और राइट लाइंस की हेल्प से हमने कर लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हम डायरेक्टली डाटा को स्टोर कर सकते थे, जैसे सी एच को मैं ए डॉट रीड कर दूँ, सो सी एच के अंदर हमारा सारा का सारा डेटा आता और उसको फिर हम उसके अंदर राइट करा देते डायरेक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला कि हमें एक फंक्शन बनाना है डिस्प्ले वर्ड्स नाम का, वो एक फाइल के अंदर से लाइंस पड़ेगा और हमें सिर्फ वो
वर्ड प्रिंट करा देगा जिनकी लेंथ 4 से कम होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करूँगा। तो मैंने क्या कर दिया, डिफाइन डिस्प्ले वर्ड्स, तो हमारा फंक्शन बन गया। अब मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं लाइन बाय लाइन उठाऊंगा फाइल के अंदर से और हर लाइन के हर वर्ड की लेंथ चेक करूंगा और जिसकी लेंथ 4 से छोटी होगी उसको प्रिंट करा दूंगा। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एफ इज़ इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम पता नहीं है तो कुछ भी रख देते हैं, binod.txt। और इसको हम किस मोड में खोलेंगे, हम इसको रीड मोड में खोलेंगे क्योंकि इसमें से हमें फाइल में से पढ़ना है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को रीड लाइन करनी है एक एक करके सारी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लूप व्हाइल ए और ए को दे देता हूँ f.readline। तो जब तक लाइन रीड होती रहेगी जब तक ए चलता रहेगा। फिर क्या होगा, मैं इस लाइन को करा दूंगा स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन हमने पढ़ा था, स्प्लिट फंक्शन क्या करता था, जो भी हम उसको करेक्टर देते हैं उस करेक्टर पे से वो हमारी स्ट्रिंग को डिवाइड करके एक लिस्ट बना देता था। तो जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक एल इज इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट, तो ए को स्प्लिट कर देगा और जो मैं इसको करेक्टर दूंगा, और अगर मैं इसको कुछ भी नहीं देता तो ये वाइट स्पेसिस के बेसिस पे हमारे एलिमेंट्स बना देता था। तो मेरे अंदर लिस्ट के अंदर एल के अंदर मेरे पास इस सेंटेंस के सारे वर्ड्स आ चुके हैं सेपरेटली। सो अब एल के अंदर मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, और एलिमेंट्स क्या हैं, वो इस ए सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं वो सारे इसके एलिमेंट बन चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, बस एक लूप चला दूंगा फॉर आई इन एल, और मैं क्या करूँगा हर एलिमेंट को यानी हर वर्ड को चेक कर सकूँगा कि अगर उसकी लेंथ यानी लेंथ ऑफ आई अगर बड़ी है स्मॉलर है 4 से तो मैं उसको करा दूंगा प्रिंट, उस केस में कर दूंगा प्रिंट आई। सो जिस जिसकी लेंथ 4 से छोटी होगी प्रिंट हो जाएगा। सो ये वाला लूप क्या कर रहा है, ये वाला लूप हर लाइन के अंदर हर वर्ड को चेक कर रहा है, और वो वर्ड आ कहाँ से रहा है, वो आ रहा है स्प्लिट फंक्शन से जो एक लिस्ट के अंदर उन्हें डाल दे रहा है। और वो लाइन कहाँ से आ रही है, लाइन आ रही है इससे रीड लाइन से। और ये वाला लूप क्या कर रहा है, ये लाइन बाय लाइन चला रहा है। तो इससे मेरे पास एक लाइन आएगी, फिर उस लाइन को मैं उसमें से वर्ड निकाल के एक लिस्ट में डाल दूंगा, फिर मैं उस लिस्ट के अंदर चलूंगा और फिर मैं लिस्ट के हर एलिमेंट की लेंथ चेक करूंगा, अगर 4 से छोटी हुई तो मैंने प्रिंट करा दूंगा, और फिर रिपीट होता रहेगा। और जैसे ही ये रीड लाइन खत्म होगा ये हमारा मेन लूप टूट जाएगा और फंक्शन खत्म हो जाएगा। बहुत ईजी था ये, सिंपल। सो काफी सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए प्रीवियस ईयर भी और आपके बुक के इंपॉर्टेंट भी, तो इसी टाइप के आते हैं और प्रैक्टिस करते रहो, बाकी हम भी आगे सॉल्व कर रहे होंगे थोड़े टाइम में। सो आई होप इसके बाद आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। इतना था इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।